केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले बेरी शार्पलेस ने 2001 में। और इस केमिस्ट्री को क्लिक नाम इसलिए दिया जाता है कि इसके अंदर हम दो मॉलिक्यूल्स को इजीली आपस में जॉइंस कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सीट बेल्ट्स के जो बकल्स होते हैं उनको जब हम आपस में जॉइन करते हैं तो वो एक क्लिक साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर होता यह है कि आपने जिन भी दो मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करवाना है उसके अंदर दो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करवा देना है। मान लेते हैं एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, इनको जब आपस में आपने ज्वाइन करवाना है तो एक मॉलिक्यूल के अंदर आपने अल्काइन ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देना है और दूसरे के अंदर आपने एजाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देना है। तो कॉपर कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये दोनों ग्रुप्स आपस में बहुत फास्ट रिएक्शन कर सकते हैं। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इस तरह का एक रिंग प्रोड्यूस होगा और इस तरीके से दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जॉइन किया जा सकता है। इस रिएक्शन के नतीजे में ये जो फाइव मेंबर्ड रिंग प्रोड्यूस हो रही है इसको कहा जाएगा 1-2-3 ट्राइएजोल। कोर प्रिंसिपल्स हैं कि ये रिएक्शन बहुत ही कीमो सिलेक्टिव है, यानी जो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट है वही बनेगा, उसके अलावा और बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। ये रिएक्शन हाईली एफिशिएंट है, प्रोडक्ट्स का यील्ड बहुत ज़्यादा होता है। इट रिक्वायर माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस, कोई हार्श टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशंस आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी वाइड एप्लीकेबिलिटी है। इस रिएक्शन के थ्रू आप किसी भी किस्म के दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है अल्काइन और एजाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, इसके साथ एक मसला है। मसला ये है कि कॉपर को हम बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कॉपर एक पॉइजनस मेटल है। मसले को काउंटर करने के लिए बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री डिस्कवर की गई और यह डिस्कवर थी डॉक्टर बर्टोजी ने इन 2003। बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में हम एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्टाइन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और ऑक्टाइन क्या है, स्ट्रेंड अल्काइन है, स्ट्रेंड अल्काइन, और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर हम एजाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ऑक्टाइन और एजाइड का जब आपस में रिएक्शन होता है तो इस किस्म का लिंकेज बनता है। अब इस रिएक्शन में हमें किसी किस्म के कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वाला रिएक्शन हम बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं फॉर जॉइनिंग एनी टाइप ऑफ टू मॉलिक्यूल्स और फॉर लेबलिंग अ मॉलिक्यूल।